विकलांग सभासद द्वारा लगाए निःशुल्क जांच शिविर। एकर गोविंद 19 निमोनिया बुखार टाइफाइड की वजह से मानव जाति को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। संक्रमण लगातार फैल रहा है, अतः इस संबंध में क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय सभासद भुवन सिंह डंगवाल आज दिनांक 8 मई 2021 को सुबह नगर पालिका रामनगर वार्ड 1 भरतपुरी व दुर्गापुरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय के तत्वाधान में दुर्गापुरी सरकारी विद्यालय में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दिन में 2 बजे तक लगाया गया, जिसमें निमोनिया, टाइफाइड, शुगर, बीपी व ब्लड ग्रुप की जांचें फ्री की गई, साथ ही उपलब्ध दवाएं भी निःशुल्क दी गई। क्षेत्र की जनता ने अत्यधिक संख्या में पहुंचकर सुविधा का लाभ उठाया। जानकारी प्राप्त होने तक लगभग 62 लोगों द्वारा जांच शिविर में सुविधा का लाभ प्राप्त किया। जांच शिविर में डॉक्टर दीपांशु सैनी फिजिशियन, डॉक्टर शिवांगी बैस फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ नेहा लैम्ब टेक्नीशियन, आनंद सिंह बिष्ट टेक्नीशियन, कमल सैनी जनरल असिस्टेंट ड्यूटी में निर्मल आर शकील खान ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में सभासद भुवन सिंह डंगवार, बलम सिंह चौधरी, शिव प्रकाश रावत, जितेंद्र बिष्ट, आसूम रस्तोगी, मुन्नू रैकोनी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए रामनगर उत्तराखंड से नाजिम कुरैसी की ये रिपोर्ट। आ गया स्वास्थ्य को लेकर, थोड़ा बताओ इसके बारे में। सर एक्चुअली जैसे अभी आपको जानते हैं कि कोविड 19 का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और मौसम भी अपना फेरबदल कर रहा है, तो जिस वजह से लोगों को अधिकतर शिकायतें बुखार, निमोनिया और टाइफाइड की हो रही हैं। लेकिन जैसे ही संक्रमण का अगर वो लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोविड की कुछ जो नमूने हैं वो लोगों में पाए जा रहे हैं और जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैल रहा है, और जिससे आम जनता में एक डर सा व्याप्त हो गया है और लोग पैनिक हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ये कैंप स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी केवल बुखार से या निमोनिया टाइफाइड से या अन्य की छोटी बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपने को यहाँ पर अपना निःशुल्क दिखा सकें और निःशुल्क अपनी दवाइयाँ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से हमने ये कैंप यहाँ पर लगवाया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और ये कैंप हम अभी कल पंपापुरी में और आज हमारा ये दुर्गापुरी विद्यालय में लगा हुआ है, कल ये पंपापुरी में लगेगा और आगे भी इस तरह के कैंप हम लोग पूरे शहर में अन्य वार्डों में भी लगवाएंगे। और इसमें इस कैंप में मेरे साथ में मेरे सहयोगी बलम हैं और अन्य मित्र भी हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों द्वारा इसे बताया जा रहा है और समाज के बीच में लाया जा रहा है। साथ ही मैं अपनी सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा इसी चैनल के माध्यम से कि सभी लोग केवल जो सरकार की गाइडलाइन है उन्हीं के आधार पर अपने कार्य करें और बेवजह बाहर ना घूमें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और हो सके तो कम से कम बाहर की एक्टिविटी करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने अपने परिवार के साथ खुशी रहें।